खतरा नहीं हिमाचल प्रदेश सरकार को, और सरकार पूरी तरह स्थिर है, स्थायी है, टिकाऊ है। और विपक्ष से हमारा आग्रह है कि वो कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन करें, रचनात्मक विपक्ष करें, जो प्रदेश हित के इश्यूज है उनको उठाएं और साजिश षड्यंत्र छोड़ दें। तो कांग्रेस पार्टी का जो विधानसभा को लेकर बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा है, पहले 6 इलेक्शन हुए थे उसमें हमने 4 जीते, और अब 3 है उसमें से हमने 2 जीत लिए। तो बहुत रिस्पेक्टेबल तरीके से लोगों ने कांग्रेस पार्टी की जो सरकार की नीतियां हैं, कार्यक्रम हैं, उन पर मोहर लगाई, और हमारी सरकार को स्टेबल किया, सारा ध्यान वहां पे केंद्रित था। अब सरकार की जो और चुनौतियां हैं, जो फाइनेंशियल फ्रंट हैं, लोगों के ड्यूज़ हैं, रिजल्ट्स निकालने हैं, अब हम उस पर केंद्रित करेंगे। हम विपक्ष को एक बार फिर ये आग्रह करना चाहते हैं कि हमेशा सत्ता की लालसा रखना सही नहीं है, हर समय सत्ता ढूंढते रहना। अगर आपको जनता ने विपक्ष में बिठाया है तो आप उसकी कदर करें कि भाई जनता ने हमें विपक्ष में बैठने के लिए कहा है और कांग्रेस को सत्ता में बैठने के लिए कहा है। कांग्रेस अगर पावर में आई है तो आप अपनी ताकत से, धौंस से, अपने मशीनरी से आप उस सरकार को टॉपल करने की कोशिश करें, लेकिन एज ए पॉलिटिकल पार्टी, रूलिंग पार्टी, हम विपक्ष से यही कहते हैं कि आप कंसंट्रेट करें, कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन करें, हिमाचल के इश्यूज़ की बात करें और सत्ता में आने की शॉर्टकट से ख्वाब छोड़ दें। ऐसा संभव नहीं होगा।